करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी और जैसा कि तेईस अप्रैल को एल आई सी एडियो का मिन्स है तो उसमें इंश्योरेंस आने वाला है ठीक है और थोड़ा बहुत ही साठ नंबर का आने वाला है सिक्सटी मार्क्स का तो उसी के लिए ये पंद्रह क्वेश्चन है आ, पहला ये सीरीज है पूरी पंद्रह कई क्वेश्चन लाऊंगा बट ये पंद्रह जो है ना इसको आप केवल पंद्रह क्वेश्चन मत नापना मतलब आंकना ठीक है जो जो साथ में रिलेवेंट इफॉर्मेशन होगी ना वो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा इसके साथ में ठीक है तो देखते हैं पहला क्वेश्चन बच ऑन द फ्लोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री देखो रेगुलेटर पूछा है तो हम सबको पता है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसका रेगुलेटर कौन होता है आई आर डी ए आई क्या है इंश्योरेंसूले रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसके नाम में खुद ही इतना बड़ा लिखा है इंश्योरेंस तो फिर यही तो करेगा तो चलो थोड़ा आई आर डी आई ए के बारे में थोड़ा जान लेते हैं देखो आप सबको पता होगा कि एक मल्होत्रा कमेटी थी ठीक है मल्होत्रा मल्होत्रा कमेटी बनी थी ठीक है अब ये कमेटी कब बनी थी आपको ये भी पता होना चाहिए ये बनी थी 1993 में ठीक है इस मल्होत्रा कम्युनिटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी एक रिपोर्ट अब देखो 1993 में बनी तो रिपोर्ट उसके बाद ही दी होगी तो रिपोर्ट दी कब जिसने में ठीक है अगर वो आपसे पूछें कि ये ये कमेटी क्यों बनी थी तो आप क्या बताओ देखो कमेटी जब भी बनती है ना तो उसका एक ही काम होता है क्या रिव्यू करना तो इसने क्या रिव्यू किया था इसने रिव्यू किया था कि कंपटीशन कैसे हो हेल्दी हो कि इसका जो मार्केट कैसे बढ़ाए मतलब तो इंडस्ट्री में डेवलपमेंट कैसा हो तो इसी सब चीज़ों के लिए ना ये बनी थी मल्होत्रा कमेटी आपको जो मेजर याद रखना है ना वो क्या याद रखना है कि मल्होत्रा कमेटी कब बनी थी कब बनी थी नाइन्टीन में और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी नाइन्टी में ठीक है फिर रिपोर्ट देने के बाद में क्या हुआ था 1997 में ना क्या एक चीज बनी फिर से 1997 क्या बना आई आर ए आई आर है क्या इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या बनी इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी याद रखना कब 1997 में ठीक है 1997 में ये बनी फिर उसके बाद क्या हुआ एक 1999 में एक एक्ट आया उस एक्ट का क्या नाम था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट ठीक है 1999 में क्या आया नाइनटीन में आया एक्ट आया क्या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट ठीक है वापस बोल रहा हूँ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट ठीक है डेवलपमेंट बोलते हैं कुछ लोग आप डेवलपमेंट बोलो ठीक है डेवलपमेंट एक्ट ठीक ये कब आया 1999 में और ये क्यों आया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है 2000 2000 में क्या बना अपना आई आर डी ए आई ये आई आर डी आई है ना जो क्या करता है इंश्योरेंस का क्या करता है ठीक है क्या बना आई आर डी ए आई इसका इसका फॉर्म क्या है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है फिर इसका वापस 2014 में इतना बड़ा जो नाम था उसको हटा के ना केवल इसको आई आर डी ए आई कर दिया ठीक है 2014 में ठीक ठीक है हो गया तो बस इतनी सी कहानी थी किसकी आ, इसके रेगुलेटरी एक्ट की देखो वापस वापिस क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फ्लिंग इज रेगुलेटर कौन है रेगुलेटर इंश्योरेंस का आप कहोगे कि आई आ डी ए आई है आई आ डी ए आई कब बना आप कहोगे दो हजार में दो हजार में और दो हजार चौदह में वापस इसको रीनेम किया ठीक है अब मैं पूछूंगा कैसे बना तो आप कहोगे नाइनटीन नाइनटी थ्री में एक मल्होत्रा कमेटी बनी थी उस मल्होत्रा कमेटी ने अपनी नाइनटीन नाइन्टी फोर में एक रिपोर्ट दी ठीक है रिपोर्ट दी फिर रिपोर्ट दी तो उसके बाद उस रिपोर्ट से क्या हुआ कि नाइनटीन में आई बना इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ठीक है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी 1997 में फिर उसके 1997 के दो साल बाद में क्या हुआ एक एक्ट आया क्या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट ठीक है नाइन्टी साल बाद फिर अगले ही साल एक्ट आने के अगले ही साल क्या हुआ आई आई बना दी क्या है इंडियन इंश्योरेंस इश्योरेंस रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है दो हज़ार चौदह में मोदी जी आती जितने भी नाम थे ना बड़े बड़े उनको उनकी फुल फॉर्म हटा के शॉर्ट फॉर्म में जो उनका वे ना आई आ डी आई आए का आई आ डी आई आए कर दिया एन टी पी सी का एन टी पी सी कर दिया ये सब कर दिया ठीक है तो दो हज़ार चौदह में ये कर दिया ठीक तो ये अपना पूरा हिस्ट्री हो गया खत्म इसका आई आर डी ए आई का अब मुक करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर सेकंड क्वेश्चन क्या है विच अमंग द फ्लोइंग इज सेकेंडरी बर्डन ऑफ द रिस्क देखो सेकेंडरी बर्डन तो इसके लिए आपको पहले बताना चाहिए कि प्राइमरी बर्डन क्या होता है देखो दो होते ना एक प्राइमरी बर्डन होता है एक सेकेंडरी प्राइमरी मतलब जो आपको सीधा सीधा फ़र्क पड़े देखो प्राइमरी क्या होता है जिससे आपको सीधा सीधा फर्क पड़े जैसे आपके हाउस में आग लग जाए ठीक है हाउस बंद हो जाए या किसी को हार्ट अटैक आ जाए हार्ट अटैक आ जाए तो ये क्या हो गया ये हो गया प्राइमरी अब सेकेंडरी क्या होगा सेकेंडरी क्या होगा कि उसने उसको अभी तो कोई लॉस नहीं हुआ है अभी तो कोई लॉस नहीं है एट प्रेजेंट कोई लॉस नहीं है ठीक है लॉस अभी एट तो, प्रेजेंट तो कुछ नहीं है उसे बट चांसेस हैं कि हो जाए चांसेस हैं कि हो जाए मतलब फ्यूचर चांसेस हैं उसके लॉसेस के तो इसे क्या कहेंगे सेकेंडरी रिपोर्टन ठीक है अब चलो ऑप्शन पे जाओ अपने ऑप्शन क्या है प्राइमरी बर्टन नहीं पूछा हो तो सेकंडरी बर्टन पूछा है देखो बिजनेस इंटरप्रेशन कॉस्ट इंटरप्शन कॉस्ट देखो कोई धंधा कर रहा है कोई बिजनेस कर रहा है उसके बिजनेस में अचानक से कोई लॉस हो गया तो इसको सीधा इफेक्ट करेगा कि पॉसिबल है कि इफेक्ट करे आपको कह सीधे सीधा सीधा पड़ेगा तो मतलब ये तो इसका आंसर नहीं है ये क्या हो गया अपना ये हो गया प्राइमरी क्या हो गया प्राइमरी ठीक है प्राइमरी फिर गुड्स गुड्स डैमेज कॉस्ट अब समान ही खराब हो गया उस कोई लाला है उससे कोई सामान ही खराब हो गया या आपके घर पे कोई सामान खराब हो गया दिमक लग गई तो उससे सीधा सीधा फर्क पड़ा ना आपको तो ये क्या हो गया ये भी प्राइमरी हो गया अब okay? क्या है सेटिंग असाइड रिजर्व एज अ प्रोविजन फॉर मीटिंग पोटेंशियल लॉस देखो कितना इंपॉर्टेंट है यह पोटेंशियल इसने क्या बोला पोटेंशियल लॉस अभी पोटेंशियल है हुआ नहीं है तो ये क्या हो गया सेकेंडरी ठीक है मैं आपको इस तरह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्यों अब थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना सीख जाओ प्राइमरी और सेकंडी में तीसरे क्या हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट एज रिजल्ट ऑफ द हार्ट अटैक लो ये तो मेरा एग्जांपल आ गया अब हार्ट अटैक आ गया तो क्या हुआ उसको उसके पास इंश्योरेंस नहीं था तो इंश्योरेंस नहीं था तो उसने अपना सोना वोना बेच के दिया अब सोना सोना बेच के देगा तो इसका मतलब क्या है कि फ़र्क पड़ गया ना उसको सीधा सीधा तो इसका मतलब क्या हुआ ये क्या हो गया प्राइमरी क्या हो गया प्राइमरी ठीक है प्राइमरी ठीक अब मुक करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच द द्लोइ इज अ मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर देखो रिस्क ट्रांसफर क्या होता है जैसे इसका आंसर तुम सीधे सीधे आपको पता ही है या मैं बता देता हूँ देखो बहुत सारे लोग हैं आ, कुछ सौ लोग हैं ठीक है सौ लोग हैं एक सोसाइटी में सो सौ लोग रहते हैं ठीक अब इन सौ लोगों ने क्या कहा कि इन सब ने महंगे महंगे घर लिए सोसाइटी में इन्होंने कहा या कोई चोर आ गया तो आ, कैसे होगा तो या आग लग गई तो कैसे होगा तो इन्होंने कहा कि इनमें से कुछ ने कहा भाई ऐसा नहीं होता ये सब मन की बातें हैं भयम की बातें हैं बट फिर उनमें से कुछ लोगों ने कहा नाइन्टी लोगों ने कहा कि भाई हो ना हो बट हमें एक साथ आके ना एक काम करना चाहिए गार्ड रखना चाहिए ठीक है गार्ड रखना चाहिए और गार्ड की सैलरी हम सब मिलकर देंगे तो इ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉसिबल एक लॉस हो सकता था जिसका सारा खर्चा किसने तो उठाया पूरी सोसाइटी ने पूरी सोसाइटी ने मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग साथ आते हैं और जिसका नुकसान होता है उसकी भरपाई करते हैं ठीक है थीके? कुछ लोग साथ आते हैं और जिसका नुकसान होता है उसकी भरपाई करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम इंश्योरेंस इंश्योरेंस ठीक है इंश्योरेंस अब देखो कितने सारे वो होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस होता है लाइफ इंश्योरेंस होता है हाउस इंश्योरेंस होता है इतने सारे इंश्योरेंस होते हैं अब जैसे आप बाइक का इंश्योरेंस करवा दोगे हर साल ठीक है अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी बाइक हर साल ठुकती है उस उसमें मेजर एक्सीडेंट होता है आपका ऐसा तो नहीं है ना नहीं बट किसी का तो होता है अब माना कि एक करोड़ हिंदुस्तान में बाइक्स हैं अब एक करोड़ लोगों का तो एक्सीडेंट होता नहीं बट वो जो फीस होती है इंश्योरेंस की जो प्रीमियम होता है प्रीमियम होता है वो सबसे लेते हैं और एक आध हज़ार लोगों का एक्सीडेंट होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है तो वो क्या करते हैं वो प्रीमियम में से जो पैसा इन एक आधे हज़ार होते हैं उनको दे देते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि कुछ का नुकसान होना होता है बट जो जो और होते हैं ना पोटेंशियल लॉस जिनको लगता है कि हमारा ये नुकसान हो सकता है वो साथ आते हैं मिलते हैं फंड्स इकट्ठा करते हैं और उन फंड से क्या करते हैं जिसका नुकसान होता है उसे दे देते हैं ठीक है तो इसका आंसर क्या हो गया अपना इसका आंसर हो गया इंश्योरेंस ठीक इंश्योरेंस का मतलब समझ गए ना विच ऑफ द फ्लोइंग रिस्क ट्रांसफर रिस्क ट्रांसफर मतलब ये इंश्योरेंस ठीक अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फ्लोइंगेरियोज वॉरेंट्स इंश्योरेंस मतलब इनमें से कौन सा सिनेरियो है जो सुनिश्चित करता है कि इंश्योरेंस लेना चाहिए क्या द सोल ब्रेड विनर ऑफ फैमिली माई डाई टाइमली मतलब अकाल मृत्यु हो जाए किसी की अचानक से तो फिर अगर उसके बाद इश्योरेंस नहीं होता तो उसको धवा रोड पर आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा ये होना चाहिए ठीक है अगर ऐसा कुछ ऐसा कुछ हो सकता है ना किसी आदमी तो इसका मतलब क्या है कि हम सबको इंश्योरेंस लेना चाहिए ठीक है दूसरा क्या अपर्सन में लूज इज वॉलेट वॉलेट लूज हो गया तो क्या पता उसमें एक रुपया हो या उसमें एक हजार रुपया हो अब एक हजार रुपये के लिए हम पाँच हजार का इंश्योरेंस लेने तो नहीं जाओगे ना बिल्कुल सही बात है ना छोटे मोटे लॉसेस के लिए हम इंश्योरेंस नहीं लेते हैं ठीक है इंश्योरेंस हम किस लिए लेते हैं बड़े लॉस के लिए जैसे किसी का मर जाना ये अपने आप में बड़ा लॉस होता है ठीक है तो इस ये इसका आंसर नहीं है थर्ड क्या है स्टॉक स्टॉक प्राइसिस में फॉल ड्रास्टिकली इसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता अ हाउस में लूज वैल्यू ड्यू टू इन नेचुरल वियर इंडियर इसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता ठीक है मतलब ये कुछ वॉरंट नहीं कर रहे अब देखो सौ साल बाद तो घर को टूट नहीं है ठीक है अब क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं विच अमंग द्लो विच ऑफ द व्लो इंश्योरेंस स्कीम इज रन बाई इंश्योर एंड नॉट स्पॉन्सर्ड बाई गवर्नमेंट ठीक है इसने क्या बोला कि इंश्योरेंस चलाता है गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर नहीं करता देखो ये क्या है ई आपने सुना होगा ना कि किसी इंडस्ट्री में किसी को कुछ हो जाता है तो उसको पूरा पैसा मिलता है इलाज का पैसा मिलता है या किसी गवर्नमेंट संस्था में किसी को कुछ हो जाता है कोई मर जाता है उसको नौकरी मिलती है पूरा इलाज का खर्चा मिलता है वो कौन करता है वो यही करता है ई एस आई सी और ये किसके अंडर है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा ठीक है ये तो गवर्नमेंट चला दिया ना इसको तो इसका आंसर तो ये नहीं होगा क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम क्या है देखो क्रॉप इंश्योरेंस क्या स्कीम आपने सुना है ना आजकल क्या चल रहा है कि अगर ओले गिर जाते हैं या ज़्यादा पानी बरस, बरस जाता है या, या सूखा पड़ जाता है तो सरकार ने इंश्योरेंस कर रखा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो वो ये क्या है वो क्रॉप इंश्योरेंस है अभी प्रधानमंत्री नाम लग गया तो उसका मतलब क्या है कि ये कौन चलाता है सरकार चलाती है अब सरकार चलाती है तो उसका मतलब ये ये तो है नहीं कि इसे वो चला रही है इंश्योरेंस चला रहा है अब बचा क्या जन आरोग्य है तो यही होगा इसका आंसर ठीक है अगर इसमें लिखा होता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो ये भी सरकार हो जाती ठीक है तो इसका आंसर क्या है जन आरोग्य ठीक अब मुख करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है रिस्क ट्रांसफर थ्रू द रिस्क पुलिंग कॉल्ड वापस आ गया इंश्योरेंस देखो सेविंग क्या होता है जैसे आप अब ई डी बन जाओगे या ए बन जाओगे तो आपको एक सैलरी मिलेगी उस सैलरी में से आप सारे खर्चे करोगे पेट्रोल खर्च करोगे इंटरनेट रिचार्ज करोगे वो सारे खर्चे करने का जो आपको बचेगा वो होता है सेविंग तो उससे कोई रिस्क ट्रांसफर तो नहीं हो रहा ना ठीक है अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपके पास सेविंग बची आपने क्या करा थोड़ा लोन उठाया अपने एलआईसी और एक घर ले लिया तो ये क्या हो गया ये इन्वेस्टमेंट हो गया अब बट इससे भी आपका कोई जो रिस्क है वो कोई ट्रांसफर तो नहीं हुआ ना किसी पर ठीक है तो ये भी क्या है ये भी इन्वेस्टमेंट क्या है? एक तरह की सेविंग एसेट क्रिएशन है अब अब एक इंश्योरेंस ही ऐसा है जिसमें रिस्क जो होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है मैंने कहा ना एक सोसाइटी में नब्बे लोग थे उनको लगा हमारे सोसाइटी में चोर ना जाए तो उसके लिए उन्होंने गार्ड रख लिया उस गार्ड की सैलरी ये सब नब्बे लोग मिलकर रखते थे अब बट आया तो किसी के भी नहीं बट आ सकता था जब मैंने बाइक का आपको एक्जाम्पल दिया तो ये क्या है इससे रिस्क ट्रांसफर हो गया ना एक करोड़ लोगों को रिस्क था बट एक लोगों को उन्होंने पैसा दिया तो ये ट्रांसफर हो गया ना रिस्क ठीक है यही है रिस्क ट्रांसफर क्या है क्या है यही है ठीक है तो इसका आंसर क्या है इंश्योरेंस है फिर अगला क्या है द मेजर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ द देंस ऑफ द रिस्क आर नोन एज इसका आंसर देखो क्या बोलता है कि द द मेजर टू रिड्यूस चांसेस चांसेस ऑफ ऑफ रिस्क रिस्क को को होने के कम करने को क्या रहा है रिस्क के चांस देखो चांस बोल रहा है ना इसमें चांस अब मैं रोड पर जा रहा हूं रोड पर जा रहा हूं ठीक है ये मेरे को रोड क्रॉस करनी है ऐसे अब यहां से ट्रक आ रहा है तो अब मैंने इंश्योरेंस कर रखा होगा तो मैं थोड़ी ना कि आग बंद करके चलूंगा कि ट्रक आएगा तो ट्रक फूट जाएगा ठीक है ऐसा नहीं होता ना नहीं होता है तो हमें क्या करना है हमें आँख के रोड क्रॉस करनी है तो इसका मतलब क्या है हमें प्रिवेंशन करना है किसका लॉस का ठीक है ये लॉस प्रिवेंशन ठीक है रिस्क ट्रांसफर तो इंश्योरेंस ही हो गया इसका अवॉयडेंस क्या हो गया कि आपको कोई प्लॉट लेना है आपको कोई सपोज प्लॉट लेना है अब आपको लग रहा है कहीं इस पर माफिया ना बैठा हो कहीं इस पर कुछ ना बैठा हो कहीं इस पर इन हाउस टेस्ट लूंगा तो ये ना हो जाए कभी कुछ ना हो जाए तो ये क्या होता है ये रिस्क अवॉर्डेंस होता है मतलब छोटी छोटी दिक्कतों से बचना क्या होता है रिस्क अवॉर्डेंस होता है ठीक है रिटेंशन ऊपर बताया ठीक है तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है लॉस प्रिवेंशन ठीक है लॉस से बचना ठीक है इसका आंसर क्या है बी अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर एट बाई ट्रांसफरिंग द रिस्क टू द इंश्योर इट इज इट बिकम्स पॉसिबल देखो अगर हम इंश्योर पर रिस्क ट्रांसफर करवा देते हैं कर देते हैं देखो हमने इंश्योरेंस करवा लिया अपना इंश्योरेंस करवा लिया तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा नुकसान होगा वो इंश्योर करेगा ठीक है अब देखो आपके पास कार होगी कार होगी अब आपकी किसी की कार का कोई एक्सीडेंट हो जाता है सोचो बम टूट गया बंपर टूट गया अब अच्छा बंपर छः सात हज़ार का आता है मान लो ठीक है अब आप क्या करोगे कि छः सात हज़ार रुपये का बंपर खुद से तो पड़ाओगे नहीं आपका इंश्योरेंस है मेरे पास आप एक हज़ार रुपये की फाइल करोगे फाइल अप्लाई करोगे और आपको सारे इंश्योरेंस में आपको ये मिल जाएगा बंपर तो इसका मतलब क्या हुआ छः हज़ार का जो रिस्क था जो लॉस था वो आपने इस कंपनी पर डाल दिया केवल एक हजार के खर्चे पर ठीक है तो बट इसका मतलब ये नहीं ना कि आप जहाँ देखो वहाँ ठोकते फिरोगे अपनी गाड़ी ऐसे तो बिल्कुल नहीं है तो आपका बिल्कुल सही बात है तो ये मैंने क्यों समझाया देखो इससे क्या होता है ये ये क्या होता है ना इसका आंसर इसी में है देखो भाई ट्रांसफर द रिस्क टू द इंश्योर इट बिकम्स पॉसिबल कि रिस्क ट्रांसफर करने से क्या पॉसिबल हो जाता है टू बिकम केयरलेस अबाउट डर एसेट आप कहोगे अभी तो कहा ना कि गाड़ी है तो ठुकता तो थोड़ा ना फिरंगा हाँ जगह तो मतलब क्या हो गया ये तो गलत हो गया फिर क्या है टू मेक मनी फ्रॉम इंश्योरेंस इन द इवेंट ऑफ अ लॉस अब मैंने कार का इंश्योरेंस किया है तो ये सोच के थोड़े ना क्या है कि कल को ठुक जाएगी मेरी गाड़ी तो कितना मजा आएगा मुझे और मुझे पैसे मिलेंगे हम इसलिए नहीं करते कार का इंश्योरेंस या किसी चीज़ का हम इंश्योरेंस करते हैं कि बुरे वक्त में हमारे पास पैसा कम आए तो ये बिल्कुल गलत है ठीक है तीसरा क्या है तो इग्नोर द पोटेंशियल रिस्क फेसिंग आर एसेट्स अगर हम तो इसका जो पहला वाला है ना ये पहला वाला है क्या कि हम इग्नोर कर दें कि कुछ और रिस्क भी है, है क्या हमारे एसेट को देखो इसलिए हम इंश्योरेंस थोड़ा न करवाते हैं कि अगर हम गाड़ी भी चल रहे हैं रोड पे कि अब सामने से ट्रक आएगा तो हम ट्रक को थोड़ी ना भेड़ देंगे बढ़ा देंगे कि हम इग्नोर कर देंगे कि ट्रक आ रहा है नहीं ऐसा नहीं होता ना तो इसका मतलब क्या है ये भी गलत है आखिरी वाला क्या है तो इन्जॉय द पीस ऑफ माइंड एंड प्लान वंस बिजनेस मोर इफेक्टिवली ये है जो इसका आंसर है कैसे देखो अब मैंने इंश्योरेंस करवा दिया अपनी गाड़ी का ठीक है अब मैंने इंश्योरेंस करवा दिया अब मुझे गाड़ी से कहीं जाना है ठीक है तो मेरा अब सारा ध्यान जो होगा ना सारा ध्यान जो होगा सारी रोड पे बिल्कुल ध्यान से चलूंगा एकदम हैप्पी माइंड से चलूंगा और अपना काम करूंगा बढ़िया से ठीक है तो इसका आंसर क्या है ये ये है ऑप्शन नंबर डी ठीक अब वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कैन बी ट्रेस टू देखो अब जो इसका आंसर है सीधे आंसर बता रहा हूँ इसका आंसर है बी ठीक है अब ये इंश्योरेंस का हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ देखो जो सबसे पहले इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आया था ना वो कहाँ से आया था इससे ही आया था कॉफ़ी शॉप से क्या नाम है इसका लोलाइट्स एल एल ओ वाई डी एस ठीक है ये कॉफ़ी शॉप थी ठीक है यहाँ से आया था और ये कहाँ थी लंडन में लंडन में ठीक है लंडन में ठीक है और ये क्यों आता है क्योंकि उस समय शिप चलते थे तो ये फ्लाइट्स और कैरिवंस वाले आ जाते थे ठीक है तो अब देखो क्या था ना हिस्ट्री देख लो इंडिया की हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया जो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में खुली ना उसका नाम क्या था उसका नाम था, था ओरिएंटल कॉमर्स ओरिएंटल कॉमर्स मैंने इसलिए बोला जिससे आपको याद रहे नाम क्या था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस ठीक है ये अंग्रेजों ने खोली थी ठीक है और किसने खोली थी अंग्रेजों ने बोला ना इंग्लिश कंपनी ने खोली थी इंग्लिश कंपनी ने ठीक है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस ठीक है फिर उसके बाद एक और खुली थी जिसका नाम था ट्रायोन टी आर आई टी ओ एन और ये क्या थी ये थी नॉन लाइफ इंश्योरेंस नॉन लाइफ इंश्योरेंस ठीक है जो ओरिएंटल थी जो ओरिएंटल है यह है लाइफ इंश्योरेंस ठीक है यह है लाइफ इंश्योरेंस और इसमें लिखा ना लाइफ ठीक है लाइफ और यह जो है अपनी ट्राइवेट ये, ये क्या है यह है नॉन लाइफ इंश्योरेंस ठीक है इसके बाद जो कुछ अपने देश भी तो खुली होंगी ना तो बिल्कुल खुली थी जो इसके बाद जो अपनी खुली थी पहली उसका नाम क्या था बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी बॉम्बे बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस एश्योरेंस सोसाइटी ठीक है इसका नाम था बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी ये पहली इंडियन इंश्योरेंस कंपनी थी फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी फर्स्ट इंडियन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी ठीक इंश्योरेंस कंपनी जो पहली इंडियन कंपनी थी उसका नाम क्या था बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी ठीक है बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी और ये कब खुली थी कब खुली थी 1870 1870 और कहाँ पे मुंबई में मुंबई ठीक है कब खुली थी 1870 में और कहाँ पे मुंबई पे ठीक है ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इतना लिख लिख के बता रहा हूँ उन्हें फिर ठीक है अब जो सबसे पुरानी कंपनी है और अभी भी चल रही है इसका क्या नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी नेशनल नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और ये कब खुली थी 1906 में नाइनटीन 19, और अभी भी चलिए स्टिल कंटिन्यू है ठीक है, है तीन डॉट मार माध्यम मैंने इसीलिए तीन डॉट्स ठीक है देखो अब पूरा मैं हिस्ट्री का ना एक बार बता दे रहा हूँ जो सबसे पहले खुला था इंश्योरेंस का अपनी मॉडर्न सेंस में वो कहाँ खुली थी लंडन में ये इसका नाम क्या है लॉयड ठीक है लंडन में लॉयड ठीक है लॉयड ठीक जो हिस्ट्री है इंश्योरेंस की वो देख लो जो पहली इंश्योरेंस कंपनी थी इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वो थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस और जो खोली थी अंग्रेजों ने किसने खोली थी अंग्रेजों ने ठीक है फिर जो पहली वो थी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसका नाम क्या था टॉयटन क्या था देखो स्पेलिंग बोल देता हूँ मैं एक बार ट्रायोटन टी आर आई टी ओ एन ट्रायोटन ठीक है ट्राई ट्रायटन ठीक है और ये क्या थी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या थी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जो पहली देसी मतलब इंडियन इंश्योरेंस कंपनी इसका नाम था बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी कहाँ खुली थी ये बॉम्बे में खुली थी ठीक है और कब खुली थी उन्नीस अट्ठारह अठारह सौ सत्तर में ठीक है अठारह सौ छप्पन के नाम याद होगी ना आपको एटीन सिक्स की और अठारह सौ सहत्तर में खुली थी 1870 में और जो प्रा, सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी अभी भी रनिंग है उसका नाम क्या है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कब खुली थी उन्नीस सौ छह में उन्नीस सौ छह में और ये अभी तक बिजनेस कर रही है ठीक है तो ये हो गया अपना हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस अब मुख्य करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंश्योरेंस कॉन्टेस्ट रिस्क रिटेंशन इंडिकेट्स अ सिचुएशन वेयर देखो अभी इस समय का IPL, IPL क्या चल रहे हैं आई पी एल ठीक है आई पीएल चल रहे हैं अब क्या हो गया आई पी एल क्या क्या क्यों कर रहा है आई पी एल में क्या होता है कि हर कैप्टन हर टीम कुछ प्लेयर को रिटेन करती है रिटेन तो उसका मतलब क्या होता है वो अपने पास सकती है ठीक है तो रिटेन का मतलब यहाँ भी वही है रिटेंशन मतलब रिटेन क्या अपने पास रखना तो रिस्क इंटेंशन रिटेंशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रिस्क हम अपने पास सकते हैं और इसका मतलब क्या है कि जो भी लॉस होगा ना जो भी लॉस होगा वो हम खुद सेल्फ उसके सेल्फ हम पे करेंगे ठीक है रिस्क रिस्क रिटेंशन इसका मतलब क्या होगा जो भी लॉस होंगे उसका रिस्क उसका लॉस इसे हम खुद भरपाई करेंगे ठीक है अब देखो ऑप्शन देखो पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉस और डैमेज इज नॉट देयर तो ऐसा तो है नहीं कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो क्या हो गया ये तो गलत हो गया दूसरा क्या है लॉस्यूस प्रोड्यूसिंग इवेंट हैज़ नो वैल्यू देखो अगर वैल्यू ही नहीं है तो इंश्योरेंस की बात क्यों कर रहे हैं तीसरा है वो प्रॉपर्टी इज कवर्ड बाय इंश्योरेंस वो तो होगी ही इंश्योरेंस में बट रिस्क रिटेंशन कहाँ आया है यहाँ पे तीसरा क्या है वन डिसाइड्स टू वेयर द रिस्क एंड इट्स इफेक्ट इसका मतलब क्या है वन डिसाइड टू वेयर द रिस्क एंड इट्स इफेक्ट तो आंसर क्या है इसका डी ठीक है हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है क्वेश्चन नंबर ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू ट्र से कौन सा ट्रू तो है इंश्योरेंस प्रोटेक्ट द एसेट्स इंश्योरेंस का इंश्योरेंस क्या प्रोटेक्ट करता है एसेट को अगर आपने कार लिया है ठीक है आपका सर्कुलर कार कौन सी होती है ठीक है अगर आपके पास कोई कार है आपने इंश्योरेंस करवा लिया तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता आपका तो होता है अब होता है तो ये तो गलत हो गया कि प्रोटेक्ट द एसेट ठीक है दूसरा क्या इंश्योरेंस प्रिवेंट्स इज लॉस अब एक्सीडेंट होगा तो लॉस होगा या नहीं होगा होगा तो ये भी गलत है इंश्योरेंस रिड्यूस पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस ये थोड़ी ना है कि चार एक्सीडेंट होंगे एक एक्सीडेंट होगा कि दस होंगे ये भी गलत है इंश्योरेंस पेज वैन द लॉस ऑफ एसेट देखो बंपर टूटा था पाँच सात हजार रुपये लगने थे वो आपने नहीं चुकाए वो किसने चुकाए कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी ने तो उसका मतलब क्या है इंश्योरेंस पेज वैन द इज अ लॉस ऑफ एसेट ये पी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी ठीक है नाम क्या चैनल का कॉन्सेप्ट सी ओ एन सी ई पी टी वी ए आर डी एच ए एन ए एम बिना पेज देके ढूंढना टेलीग्राम पे मिल जाएगा ना मिले तो फेसबुक पे फेसबुक छोड़ो इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना वहां भी यही नाम है या कमेंट कर देना यूट्यूब पे ठीक है यूट्यूब पे सब जगह एक ही नाम है क्या कॉन्सेप्ट वर्धनम कॉन्सेप्ट सी ओ एन सी ई पी टी वी ए आर डी एच एन एम ठीक है कॉन्सेप्ट वर्धनम ठीक है अब मुख करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आउट ऑफ द फोर हंड्रेड्रेड्रेड्रेड हाउस ईच वैल्यूड एट ट्वेंटी थाउज और एन एवरेज फोर हाउस गेट वन एवरी ईयर रिजल्टिंग इन अ कंबाइंड लॉस ऑफ एटी थाउजेंड वॉट शुड बी द एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ईच हाउस ओनर टू मेक दिस टू मेक गुड दिस लॉस देखो क्या बोल रहा है कि ठीक है चार घर चलते हैं और इन चार घर का जो नुकसान है कंबाइंड वो है अस्सी हज़ार अस्सी हज़ार तो मतलब एक घर का नुकसान कितना हो गया बीस हजार ठीक है बीस हजार मतलब एक घर की जो वैल्यू थी वो बीस हजार थी ठीक है मतलब चार हजार सुहा हो गए ठीक है तो अब वो पूछ रहा है कि अगर हमें कितने का इंश्योरेंस करना चाहिए जिससे कि ये जो नुकसान है ना ये ये भर भर जाए भरपाई हो जाए तो अगर आप कहोगे कि चार घर हैं चार सौ घर हैं अगर मैं इनकी दो से दो सौ से इंश्योरेंस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा आठ हज़ार आठ कितना अस्सी हज़ार ठीक है अस्सी हज़ार तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या चाहिए अस्सी चाहिए अब अस्सी कैसे आएंगे जब मैं दो का इंश्योरेंस करूँगा तो इसका आंसर क्या हो गया दो ठीक है देखो दो सौ अस्सी आ गया अस्सी हज़ार आ गया ठीक है ख्याल से आपको सज में आ गया होगा अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉस ऑफ अ फ्यू बाय मैनी ऐसा है क्या आप कहोगे तो कि ऐसे ही तो होता है कि जो कुछ का नुकसान होता है बट देते सब है पैसा इंश्योरेंस सभी करवाते हैं तो इसका आंसर यही हो गया दूसरा क्या है इंश्योरेंस द मैथर ट्रांसफरिंग द रिस्क ऑफ एन इंडिविजुअल टू अनदर नहीं ऐसा नहीं होता इंडिविजुअल का ग्रुप में तो कह सकते हो आप ठीक है एक का बहुत सारे लोगों पर ठीक है कह सकते हो ठीक है इंश्योरेंस इज अ मैथड ऑफ शेयरिंग द लॉस ऑफ मनी बाई द फ्यू ये तो कतई उल्टा हो गया फ्यू टू मैनी है फ्यू टू मैनी ठीक फ्यू टू मैनी है ठीक है और डी क्या है द इंश्योरेंस इज अ मैथड ट्रांसफरिंग द गेंस ऑफ अ फ्यू टू मैनी हाँ तो वापिस यही है क्या वापिस सेम बोल दिया अच्छा ये ट्रांसफरिंग है और ये शेयरिंग है देखो ट्रांसफरिंग ट्रांसफरिंगों शेयरिंग शेयरिंगों बात तो एक ही है ठीक है तो ये भी गलत है तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर वन क्या है इंश्योरेंस इज़ अ मैथड ऑफ ऑफ शेयरिंग द लॉस ऑफ अ फ्यू बाई मैनी ठीक अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे वाई डू द इंश्योरेंस अरेंज फॉर द सर्वे एंड इंस्पेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क अभी कह रहा है कि जो हम घर का सर्वे करवाते हैं बाइक का तो वो हमारे घर का या बाइक का वो क्यों करते हैं सर्वे क्यों करने आते हैं तो आप कहोगे कि ये देखने के लिए कि हम जितने का इंश्योरेंस कर रहे हैं वो उतने का ही है कि नहीं उतनी वैल्यू हैवी है कि नहीं तो पहले क्या बोलता है टू एक्सेस द रिस्क फॉर रेटिंग पर्पज हाँ तो यही तो है वो देखना चाहता है कि कितना वो है आपका ठीक है दूसरा क्या है टू फाइंड आउट हाउ द इश्योर परचेज द कंपनी प्रॉपर्टी अब उसको क्या मतलब कि लोन पर खरीदा हो कि कैश पर खरीदा हो कि किसी को कट्टा दिखा के लेके आए छीन के तीसरा क्या है टू फाइंड आउट वेदर अदर इश्योर हैव नो हैव ऑल्सो इंस्पेक्टेड द प्रॉपर्टी अब ये वहाँ पे जाकर थोड़ा पता चलेगा कि कोई और आया नहीं आया अब मानो एल आई सी वाले गए तो एच डी एफ से वाले वहाँ झंडागढ़ गए होंगे एच डी एफ से का कि हम कर चुके ऐसा नहीं है ना तो इसका मतलब क्या है किसी तो नहीं है ठीक है अब ऑप्शन नंबर फोर क्या है टू फाइंड आउट वेद नेबरिंग प्रॉपर्टीज कैन ऑल्सो भी इंश्योर्ड ये दल्ले थोड़ी ना है कि जहां जाएंगे कि देख के आएंगे कि और और किसको खा सकते हैं ऐसा नहीं होता ठीक है जिसको जरूरत होती है वो उसके पास जाते हैं या ये करते हैं कैंपेन ठीक है ऐसा नहीं होता कि जाएं और दूसरे को फंसाने की नजर से तो ये गलत है ठीक है तो इसका आंसर क्या है टू एक्सेस द रिस्क फॉर रेटिंग पर्पज ठीक है अब मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर जो है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द विलो ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पज प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस पहला शेयरिंग द लॉस ये तो वापस रिपीट क्वेश्चन है क्या है शेयरिंग द लॉस ऑफ अ मैनी बाई अ फ्यू आप कहे नहीं फ्यू टू मैनी होता है शेयरिंग द लॉस ऑफ फ्यू बाई मैनी ये सही है ठीक है इसका आंसर क्या है इसका आंसर है बी ठीक तीसरा क्या है वन शेयरिंग द लॉस ऑफ फ्यू नहीं शेयरिंग ऑफ लॉस देखो ये सब गलत है मतलब इसका आंसर हो गया फिर अपना बी ठीक है ये रिपीट क्वेश्चन है बस लैंग्वेज चेंज है तो ये था अपना क्वेश्चन पंद्रह क्वेश्चन हो गए आई होप आपको ये इंश्योरेंस वीडियो थोड़ी सी भी सही लगी होगी अगर सही लगी होगी तो और चाहिए हो तो कमेंट करके हमको बता देना ठीक है एक कॉमेंट मेरे पास आया था कि प्रीवियस ईयर के चाहिए एल आई सी ए डी ओ के या देखो उस पर काम चल रहा है ठीक है अगर केवल आंसर्स के साथ पी डी एफ चाहिए तो मैं देन एंड देने दे अपलोड कर दूँ बट मैं सोचा था कि थोड़ा बता भी दूँ ठीक है तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में टाइम लगता है ठीक है तो तब तक आप इससे काम चलाइए ठीक है तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक जय हिंद